सभी को प्रणाम नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष ध्यान का कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसकी मैं शुरुआत करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री राजीव जायसवाल जी को कोटि कोटि नमन एवं वंदन। साथ ही आज उनका जन्म दिवस भी है, इसलिए हम सभी उपस्थित सदस्यों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं ऋतु जायसवाल नागपुर से ध्यानम ग्रुप के आज के इस गुरु पूर्णिमा के विशेष ध्यान साधना प्रोग्राम में उपस्थित आप सभी सदस्यों को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, महाभारत और चारों वेदों तथा पुराणों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें वेद व्यास या आदि गुरु भी कहा जाता है, इनके नाम से और इनके सम्मान में आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु यानि ज्ञान का उद्गम, गुरु यानि अखंड बहने वाला ज्ञान झरना, गुरु यानि निष्ठा और कर्तव्य, गुरु यानि असीम श्रद्धा और भक्ति, गुरु यानि विश्वास और वात्सल्य, गुरु यानि आदर्श प्रामाणिक मूर्ति। जितनी महिमा गुरु की कही जाए कम है। हर व्यक्ति में ऊर्जा का स्रोत है। गुरु हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराते हैं, साथ ही सही रास्ता भी दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक, हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री राजीव जी को मैं आज का ध्यान सेशन शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाई साहब जी, धन्यवाद। रितु जी, सर्वप्रथम आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद जो आपके मन की प्रश्न होंगे वो आप पूछेंगे। हम सब ध्यान के लिए बिल्कुल सरल सहज होकर के बैठ जाएं। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। और धीरे धीरे सांस लेते रहें। गहरी सांस लें भीतर और बाहर छोड़ दें। हर आती हुई सांस को, हर जाती हुई सांस को देखते रहें। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर रहे। हर आती सांस पर, हर जाती सांस पर। गहरी सांस भीतर लें छोड़ें, गहरी सांस भीतर लें छोड़ें। सांस जितनी गहरी होगी उतना ही ध्यान भी गहरा लगेगा। हर आती सांस के साथ परमात्मा का चैतन्य, परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा
स्वास्थ्य शांति भीतर ले और हर बाहर जाती सांस के साथ अपने भीतर की नेगेटिविटी, अपने भीतर की बुराई, अपने भीतर का क्रोध बाहर जाने दे। सुन सांस भीतर सांस बाहर, सांस भीतर सांस बाहर, सांस भीतर सांस बाहर, केवल सांस को देखते रहे, केवल सांस को देखते रहे, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, ये तो म्यूट पे रहता है, ये तो म्यूट रहेगा। वासु वासु आई देख आवाज आई, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, अपने भीतर, अपनी दोनों भवों के बीच ले जाएं, अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भवों के बीच केंद्रित करें, हमारी पूरी चेतना पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच ले जाएं। देखें अपने आज्ञा चक्र से निकलते प्रकाश को, ये प्रकाश हमारे मस्तक पर, हमारे चेहरे पर और धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में फैलता जा रहा है। हमारा सारा शरीर प्रकाशित हो गया है,
एक प्रकाश से हमारा सारा शरीर प्रकाशमय हो गया। मेरा सारा शरीर, मेरा सारा अंतर्मन एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ऊपर से नीचे तक केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश मेरे शरीर के बाहर तक फैल रहा है। मैं एक प्रकाश का पुंज बन गया हूँ। यह अलौकिक प्रकाश मेरे आज्ञा चक्र से होता हुआ मेरे धीरे धीरे मस्तिष्क में जा रहा है। मेरा सारा मस्तिष्क प्रकाशित हो गया। कहीं कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई अशांति नहीं है। बिल्कुल शांत, कोई तनाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। मेरा सारा तन, मेरा सारा मन शांत हो गया है, प्रकाशित हो गया है, अलौकिक हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर। हिमालय बन गया मेरा शिखर। उदित हुआ सूर्य माम आकाश में, गंगा वही अविरल। हिमालय बन गया मेरा शिखर। बिल्कुल शांति, बस मैं और मेरा परमात्मा और कोई नहीं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत दिन आप परमात्मा से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। जो आप परमात्मा से मांगना चाहते हो केवल आपको और आपका परमात्मा है। कोई विचार नहीं है, कोई तनाव नहीं है। जो अपने परमात्मा से मांगना है जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे। जो अपने ठाकुर से अपने परमात्मा से जो मांगोगे वो मिलेगा। भीतर कोई नहीं है, केवल हम और हमारा परमात्मा। ओम
हरि ओम नमो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वरुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वरुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजमहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ
ओम हरि 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 ओम शांति 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 ओम तेजोसी तेजोमयी देहि ओम बलवसी बलोमयी देहि ओम ओजोसी ओजोमयी देहि ओम मनुरसी मनुर्मयी देहि ओम सहुवसी सहुमयी देहि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदपि दुःखभाग् भवेत् हे प्रभु हे परमात्मा हे दीनानां सबका कल्याण करो सबका भला हो किसी को कोई दुख न हो सबको सुख मिले ओम शांति 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 अभी हम ध्यान में गए, हम परमात्मा के सानिध्य में गए। अब आप लोग के जो आध्यात्मिक प्रश्न होंगे, रितु जी। जी भाई साहब जी जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो एक विशेष विषय है, मुझे लगता है इससे संबंधित कई सवाल हमारे सदस्यों के मन में होंगे। आज मैं सबसे पहले मधुरेखा जी को आमंत्रित करती हूँ। मधुरेखा जी, आपका माइक ऑन कीजिए। नमस्कार, सभी को नमस्कार ग्रुप में, भाई साहब आपको भी नमस्कार। ध्यान तो आपका बहुत अच्छा रहता है, अब मन भटकता नहीं है, ध्यान में लग जाता है। ऐसे पता चलता है कि हम कोई दूसरे लोक में चले गए, जहाँ असीम शांति ही शांति है और हमें कोई चिंता या परेशानी नहीं है। इस तरह का ध्यान आप हमें कराते हैं। मेरा एक प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो कोई भी हमें थोड़ी सी सीख दे देता है या समझाता है, वो गुरु ही कहलाता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता, वो हमें ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। तो हमें सच्चे गुरु की पहचान किस तरह से करनी चाहिए? जी जी, मधुरेखा जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए। जो भी हमको ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमको ज्ञान देता है, वो हमारा गुरु होता है। और गुरु शब्द का जो संस्कृत शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। इसका जो अनुवादिक अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है। अब हमको ये कैसे पता चले कि जो व्यक्ति जिसको हम गुरु मान रहे हैं, जो हमको ज्ञान दे रहा है, वो व्यक्ति सार्थक है या नहीं है? गुरु किसी भी विषय में हो सकता है। दुनियावी अगर बातें करते हैं, जब एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, और जब पढ़ने के लिए नहीं जाता, उससे पहले उसके माता पिता उसके गुरु होते हैं, जो उसको जीवन के बहुत सी बातें बताते हैं कि जीवन में कैसे एक बच्चे को कैसे चलना है, कैसे उसको व्यवहार करना है, कैसे उसको जो उसके वैल्यूज हैं, जो उसको बहुत सी, बल्कि जो भाषा का ज्ञान है वो भी उसको माता पिता ही देना, घर से मिलता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है तो गुरु होते हैं वहां पर, वो उसको बहुत से विषयों की शिक्षा देते हैं। हमारे
संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में गुरु शब्द का बहुत महत्व है, जो कि पाश्चात्य देशों में इतना नहीं है। वहाँ गुरु का शब्द केवल यह है कि जो आपको पढ़ा दे वो आपका टीचर है, आपका गुरु है। लेकिन हमारी संस्कृति में गुरु शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता है। और जो व्यक्ति आपको दुनियावी विषयों से परे हटके अध्यात्म की शिक्षा देता है वो गुरु कहलाता है, और उसको बहुत सम्मान दिया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। अब प्रश्न ये है आपका, जो व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, हमको कैसे पता लगे कि ये जो ज्ञान है ये सही है कि नहीं? क्योंकि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म का अर्थ यही होता है कि जो हमारे मन के शंकाएं हैं निमट जाएं, हमारे मन के प्रश्न दूर हो जाएं, हमारे मन का जो हमारे मन के विकार दूर हो जाएं, हमारे आध्यात्मिक प्रश्न जो हैं उनका सवाल हमको मिले, उनका जवाब हमको मिले, सवालों का जवाब हमको मिले, और हमारा आध्यात्मिक विकास हो। जैसे शारीरिक विकास होता है उसी तरीके से आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, जिसमें से ज्यादातर लोग जो शरीर का विकास तो करते हैं लेकिन आध्यात्म का विकास नहीं करते हैं। और हम में जो ज्यादातर लोग हमको बताते हैं वो कर्मकांड के बारे में ज्यादा बताते हैं, धर्म के बारे में, धर्म के नाम पर जो धर्म होना चाहिए वो नहीं बताते, बल्कि धर्म के नाम पर जो कर्मकांड हो गए ज्यादा बताए जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम सारा जीवन उन कर्मकांडों में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन गलत शिक्षा के कारण या सही शिक्षा ना मिलने के कारण हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। तो जो सही ज्ञान है आपको, हमको, वो हमको हमारे भीतर से ही हमको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि ये जो हमारे मन के जो प्रश्न थे बहुत सारे, क्या उनका निराकरण हो रहा है? जो हमारे मन की बहुत सी शंकाएं थी उनका निराकरण हो रहा है? क्या जो ज्ञान मिल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूं? या जो मैं कर्मकांड कर रहा था, जो मैं कर्मकांड कर रही थी अब तक, इनसे मैं संतुष्ट थी? और जो व्यक्ति मुझे मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, अगर मेरा गुरु मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बता पा रहा है और वो रास्ता दिखा पा रहा है जिस रास्ते पे चल के मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकती हूँ, तब हमको ये मानना चाहिए कि हमको जो मार्गदर्शन मिल रहा है, हमको जो गुरु मिल रहा है वो सही है। जब तक हमारे मन को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, हमारे मन को संतुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक हम ये नहीं मान पाते हैं कि हमारे को जो गुरु मिला है, जो व्यक्ति हमको मिला है। गुरु केवल वो व्यक्ति नहीं है जो आपको बहुत सी गूढ़ बातों का जवाब दे दे, गुरु वो व्यक्ति भी है कि बहुत सरल बातों का जवाब आपको दे दे। कई बातें बहुत सरल होती है जिनको बहुत गूढ़ बना दिया जाता है, तो जो सरल बातों को सरल तरह से बताया, गूढ़ बातों को भी सरल तरह से बताया, उस व्यक्ति को आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति आपको सही ज्ञान दे रहा है। ये पैमाना हमारे पास ही रहेगा, ये पैमाना हमारा मन ही होता है, हमारा मस्तिष्क ही होता है, हमारा टेम्परामेंट ही होता है, हमारा अब तक का आध्यात्मिक विकास ही होता है जो हमको ये बता सकता है। क्योंकि कई लोगों का, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कुछ भी आध्यात्मिक विकास नहीं है, उनको जो कोई व्यक्ति जो भी बता देगा उसको मान लेंगे, ऐसा हो रहा है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है काफी कुछ।
तो ये मेरा मानना है कि ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने अंतःकरण से, अपने मन से आप कितने विकसित हैं, आपका जो अध्यात्म का पुष्प है उसको कितना खिला है, कितना उसका विकास हुआ है। तो ये जो पैमाना है आपको भी देखना पड़ेगा। जी धन्यवाद राजीव जी, मुझे मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर मिल गया है। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और भाई साहब आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में इस चीज की व्याख्या की। आशा है सभी को इस सवाल के जवाब में अपनी कई शंकाओं का समाधान भी हुआ होगा। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ काजल जयसवाल जी को। जी काजल जी, जी काजल जी, हेलो काजल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो आवाज आ रही है। हाँ, ओके, बोले, बोले, ओके, ओके काजल जी, सभी को बहुत नमस्ते। भाई साहब आपने ध्यान बहुत अच्छा कराया, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरु के बिना भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है क्या? काजल जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, थोड़ी दूर से, हाँ जी, अभी आवाज आई है, अभी आ रही है, कम आ रही है। हाँ, इसके पास रख के बोले माइक को। जी बोले। ओके, ओके। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, या ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन ही लगेगा, या हम अकेले भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? जी 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 काजल, क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु का होना जरूरी है? काजल जी का प्रश्न, क्या हम बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, या आप जनरली भी अगर लेते हैं, तो अगर आपको किसी दिशा में चलना है, किसी साधारण दिशा में भी चलना है, कोई आपको साधारण बात का भी पता करना होता है, तो आपको किसी से पूछना होता है, आपको किसी से समझना होता है, कोई डायरेक्शन की आपको लेनी होती है, किसी दिशा में आपको जाना है तो आपको उस दिशा के बारे में जानना होता है। जैसे कि हम जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, वहां पर गुरु के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती। ये तो अगर आप कोई भी कहे, कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो गया, या उसने कोई भी उसने कोर्स किया, MBBS का किया, इंजीनियरिंग का किया, या कोई भी कोर्स किया, और वो बिना किसी गुरु के, किसी गाइड के हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता, वो जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि अध्यात्म का, परमात्मा का क्या, क्या ये बिना गुरु के हो सकता है? क्या ये हो सकता है? ये आपका सवाल है। जनरली तो यही कहा जाएगा कि अगर हमको अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ना है, तो गुरु के बिना आपको, कोई भी गुरु हो जो आपको ज्ञान दे पाए, गुरु के आपको दिशा दे पाए, तो उसके बिना तो ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु तो जरूरी है कोई ना कोई, लेकिन गुरु का अर्थ क्या है? मेरे को ज्ञान लेना है, मेरे को ज्ञान पाना है, और गुरु से मुझे ज्ञान का मिलना है। तो हमें उस ज्ञान को पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। ये कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज की तलाश करते हैं, तो जो ये प्रकृति है, ये कुदरत है, ये भी पूरी कोशिश में लग जाती है कि वो चीज हमको मिल जाए। तो अगर आप
को किसी गुरु की तलाश है, किसी व्यक्ति को किसी गुरु की तलाश होती है कि मेरे को ध्यान, मेरे को रास्ते पर चलना है, तो कहीं ना कहीं से प्रकृति या परमात्मा उसको वो व्यक्ति मिलवा देता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है वो बहुत असाधारण हो, वो बहुत साधारण भी हो सकता है, लेकिन उसमें वो असाधारण गुण होने चाहिए। जैसे कबीर जी में थे, कोई बहुत असाधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत साधारण व्यक्ति थे जो लाए थे, और लेकिन उनमें जो परमात्मा से जुड़ने के कारण गुण असाधारण आ जाते हैं। अब गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गुरु कोई जो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना से जोड़ दिया है, तो जब वो परमात्मा से अपनी चेतना को जोड़ देता है तो वो व्यक्ति असाधारण हो जाता है, तो दूसरों को भी दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि उस समय वो ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, उस समय वो ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, उस समय वो ज्ञान का केंद्र बन जाता है। तो ज्ञान पाने के लिए क्या किसी गुरु का होना जरूरी है? तो उसमें अगर वैसे कहा जाए कि जरूरी तो है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इतिहास में अगर हम ये कहें कि 100% जरूरी है तो 100% नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इतिहास में ऐसे भी एक्सेप्शन है जहां बहुत से लोगों ने बिना गुरु के ज्ञान को पाया है, जिनमें गुरु नानक का नाम आता है, जिनमें महात्मा बुद्ध का नाम आता है, जिनमें भगवान महावीर का नाम आता है, लेकिन वो व्यक्ति जो एक्सेप्शन थे, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, पूर्व जन्मों का जो उनका संचित ज्ञान था वो इतना था, उनकी कली इतनी खिल चुकी थी कि इस जन्म में उसको फूल बनने में कुछ समय नहीं लगा। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान के लिए गए और वो जगह जगह भटके, बहुत से गुरुओं के पास गए और उन्होंने बिना कुछ सवाल किए वो सब किया जो गुरु ने उनको करने के लिए कहा, लेकिन तो भी उनको ज्ञान नहीं मिला। और अंत में आप सबको कहानी का पता है, आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब वो एक थक हार के, बिल्कुल उनको लगा था कि अब तो कोई, उनका शरीर भी बिल्कुल कंकाल हो गया था और उनको किसी सवाल का जवाब नहीं मिला था, उनको नहीं पता लगा था कि ज्ञान कैसे मिलेगा, सुख क्या है, दुख क्या है, इन सबसे बाहर जाने का रास्ता क्या है। जब उन्होंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया और सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से इतने दिनों के उपवास को तोड़ के खीर खा ली और उसके बाद उस वृक्ष के नीचे ध्यान में होकर के बैठ गया, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया, तो उस समय परमात्मा ने उनको, उस रात परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया। तो आप ये कहेंगे, ये कहा जा सकता है कि परमात्मा, मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं, हमारा गुरु परमात्मा भी हो सकता है। मैं इसमें ये, वो जो हमारा गुरु उस समय में है वो शरीरधारी नहीं, सर्वव्यापी जो चेतना है, जो कण कण में व्याप चेतना है, जो सबको ज्ञान देने वाली है, वो हमारा गुरु हो सकती है। और मैं अगर अपने परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो मेरे जीवन में मुझे कोई देहधारी गुरु नहीं मिले, शुरू से ही मैंने परमात्मा को अपना गुरु बनाया और मुझे जो भी कुछ दिया, थोड़ा बहुत जो मतलब परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं उसको जरा भी उसका अहंकार ना करूं, जो भी परमात्मा, इसलिए थोड़ा बहुत कह रहा हूं, उसका परमात्मा के दिए का तो कोई मूल्य नहीं होता। तो परमात्मा से ही मुझे ज्ञान मिला, तो इसका जवाब फिर यही होगा, परम गुरु तो जरूरी है, भले ही वो परमात्मा हो। अगर आपने परमात्मा को अपना गुरु मान लिया है तो परमात्मा आपको ज्ञान देगा, किसी न किसी रूप में ज्ञान देगा। कई बार किसी रूप में ज्ञान देता है, कई बार किसी और तरीके से ज्ञान देता है। परमात्मा के देने के तरीके और बहुत कुछ होते हैं। जब आप उससे मांग रहे हैं तो आपको कैसे आके ज्ञान दे जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर मेरी बात हो, कभी मैं आपको बहुत सी बातें अपने बारे में बता सकता हूँ, जो मेरे अनुभव, जो मेरे अपने अनुभव है। तो
इसमें यही कहा जाएगा गुरु का होना जरूरी है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो। जी काजल जी, आपकी आवाज बंद है, म्यूट है जी। हाँ जी जी, तो आपके अनुसार हमें गुरु की आवश्यकता तो जीवन में पड़ती है, लेकिन अगर हमने परमात्मा को अपना गुरु मान लिया, वो आपके लिए, आप जैसे आपका आपकी सोच बहुत आगे तक है इसी लिए आपके लिए तो ठीक है, पर जैसे हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं इसकी सत्संग की, तो हम लोगों को गुरु की आवश्यकता बहुत पड़ेगी, ये ऐसा मुझे लग रहा है। हम आपके मार्गदर्शन में आगे चलेंगे। देखिए काजल जी, जब परमात्मा की कृपा होती है ना जी, जब परमात्मा की कृपा होती है तो किसी को कोई माध्यम भी मिल जाता है, वो भी परमात्मा से ही मिल रहा है, आपको ही मान के चलें। हाँ जी, तो कोई व्यक्ति भी अगर हमको ज्ञान दे रहा है तो वो भी परमात्मा का माध्यम ही है। हाँ, हमने परमात्मा से मांगा, परमात्मा ने उस व्यक्ति को माध्यम बना दिया, तो वो भी परमात्मा की कृपा ही है। तो ये ठीक है आपकी बात, आपकी बात भी ठीक है जी। थैंक यू जी। जी जी काजल, हेलो भाई साहब जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर ही हमारे मार्गदर्शक हमारे सामने भेजता है, और जो हमें हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ज्ञान गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये इस बात से हमको समझ में आता है। अगले सवाल के लिए मैं आनंद जयसवाल जी नागपुर से उनको आमंत्रित करती हूँ। आनंद दिया सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भाई साहब आपको, जन्म दिवस की आपको बधाई और धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, शोभा दुबे जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए, और अपना सवाल पूछने के बाद सभी लोग अपने माइक बंद करेंगे जी। भाई साहब कंटिन्यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाह रहा था, और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भी बधाई सबको। सेशन अटेंड नहीं कर पाया था, मैं जर्मनी आया हुआ हूँ बेटे के पास, तो मैं सेशन नहीं अटेंड कर पा रहा था ठीक से। तो आज का सेशन का थोड़ा मुझे गुरु पूर्णिमा और आपका जन्म दिवस है तो मैंने जरूरी समझा, मतलब ऐसे करने वाला था, तो आज मेरे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको यह पूछना चाहूंगा कि क्या जीवन में गुरु का होना जरूरी ही रहता है? अगर जैसे कई लोग हैं जो गुरु जिनके नहीं है तो उनकी लाइफ भी, वो सर्वाइवल तो उनका भी रहता है, तो जीवन में अगर है क्या, अगर है तो कितना जरूरी है, ये पूछना चाहूंगा जी। आनंद जी, आप जर्मनी में इस समय होकर भी एक हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये एक अच्छा लग रहा है। वहाँ क्या समय है इस समय यहाँ दो ढाई बज रहा है, चार घंटे पीछे। अच्छा, ढाई बज रहे हैं, चार घंटे आगे। अच्छा अच्छा, चलिए आपका स्वागत है। पहले तो आपने कहा कि क्या किसी गुरु का होना जरूरी है, आपका सवाल काफी कुछ काजल जी के सवाल से मिलता जुलता है, तो क्या किसी गुरु का होना जीवन में जरूरी है? इसमें देखिए ये कहा जाएगा कि अगर हमको जीवन में कुछ, हमारे जीवन में कोई प्रश्न है, पहले तो देखना ये होगा क्या कोई प्रश्न है, और अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके जवाब अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब हमको नहीं मिले कहीं से भी, तो या तो हम उन जवाबों को खुद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो मिले नहीं, किसी से हमने पूछा समझने की कोशिश की तो भी हमको नहीं मिले, तो उस समय में डेफिनेटली जो हमारा मन, जो बेचैनी हमारे मन की होगी, जो हमारे मन में एक, खासतौर पर अगर अध्यात्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, परमात्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं जी, तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। जिन लोगों को
गुरु जिनके पास नहीं है, आपने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं होते, तो उनके लिए हो सकता है उनके मन में प्रश्न ना हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते ही नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जीवन भर अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर या मणिपुर चक्र पर ही खड़े रहते हैं, जिनको आगे चलने का, जिनको लगता ही नहीं है कि उनको कोई आवश्यकता है। ऐसे आपको अपने आसपास देखिए, ऐसे ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एक बहुत मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिनकी होती है, और जिनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ होती है वो उनको शायद गुरु की कोई जरूरत नहीं होती। तो उनको जब गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है तो ऐसे लोगों का जीवन तो चल जाता है बिना गुरु के। लेकिन जिनके मन में एक बेचैनी है, एक प्रश्न को पाने की इच्छा है, उनको तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है आनंद जी? हाँ भाई साहब, आपने जो बताया वो ऐसा लग रहा है सही है कि जिनको लगता है कि ऐसा कोई समस्या नहीं हो या ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी अगर समस्या ना हो तो भी गुरु रहना बहुत जरूरी रहता है। ऐसा मुझे लगता है कि समस्या हो तभी गुरु रहे, ऐसा मतलब उसके अलावा भी अगर गुरु आपने रहे तो ज्यादा बेटर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आनंद जी। क्या है कि हमारे भारत में तो खास तौर पर, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां तो गुरु कंसेप्ट का इतना शुरू से नहीं रहा, लेकिन हमारे भारत में और एशियन कंट्रीज में जो व्यक्ति खास तौर पर, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं आपको जिनके कुछ व्यक्तिगत गुरु भी होते हैं। अच्छा 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 ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो बोलते हैं वो हमारे परिवार के गुरु हैं। हाँ। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं सुने, और वो हमारे, ऐसा आपने सुना होगा कि ऐसे हैं जो हमारे, जो इनसे उनका बड़ा क्लोज मिलना जुलना भी होता है जिसे इनका, तो उनसे वो क्या होता है कि वो उनकी जो छोटी छोटी बातें भी होती हैं लाइफ की, बहुत छोटे छोटे सवाल भी होते हैं जो उनको लगता है कि शायद वो खुद उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो उनसे सलाह लेते रहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है गुरु के लिए कि जिनको हम आज गुरुओं को जिन बड़े मंचों पर बैठा देखते हैं या जिनका बहुत नाम है, उनसे तो शायद आप बात नहीं कर पाते, उनको तो आप सिर्फ सुन पाते हो, वीडियो देख पाते हो उनसे, लेकिन ऐसे गुरु की आवश्यकता मुझे लगता ज्यादा है। बिल्कुल सही, जब चाहे बात कर सकते हो, जब चाहे उनसे सलाह ले सकते हो, जो आपके जीवन के छोटी छोटी बातों में आपको सलाह दे सकते हैं। जी जी सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आपके, आपका जवाब बहुत ही मतलब समाधान पूर्वक रहा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके जवाब से। धन्यवाद 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 जी। रितु जी। जी भाई साहब, बहुत अच्छा बताया आपने कि जीवन की छोटी मोटी समस्याओं के साथ ही आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही अगले सवाल के लिए मैं रश्मि उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते रश्मि जी। क्या सवाल करूँ सर, मेरे तो मतलब जिसने भी सवाल पूछे हैं सारे मेरे ही सवाल थे जो मन में उठते रहते हैं। और जो आपने बताया गुरु के लिए, मैं भी बहुत रही थी कि गुरु, जैसे सुना कि गुरु होना जरूरी है, भाई आपकी पूजा मतलब कुछ भी आप करते हो आपका सार्थक नहीं है जीवन यदि आप गुरु नहीं बनाते हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, समझ नहीं आ रहा था। तो वो जो आपने कहा कि ईश्वर को ही बना सकते हैं, तो मैंने ईश्वर को ही बनाया और मैंने कहा जिस दिन आप चाहोगे कि जिसमें आप मुझे किसी रूप में दिखो, मैं समझने लगूं कि भी जो हर सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरी व्यवस्था होती है, समाधान मिलता है, तो लेकिन मेरा जो सवाल एक था आपसे, उस आपने देखी पहले ही मुझे कुछ थोड़ा समझा दिया कि मैं जानना चाहती थी सर कि हमारे को आप बहुत समाधान कर रहे हैं और वो ये सब चीजें आई कि आप व्यक्तिगत है ना होना चाहिए, व्यक्तिगत सवाल वो भी पूछ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती थी कि मालूम पड़ गया मुझे फिर भी कि आपके गुरु कौन है। हाँ देखिए, आपने ये अभी मैंने एक उत्तर दिया था कि मैं आपको, हाँ मैं वही बोला, वैसे तो आप बोल चुके हैं लेकिन मेरा और सारे जवाब मेरे यही मिले जो मैं
सब ने पूछ लिया और मेरे को इतने सवालों के जवाब मिल गए। नहीं, आपका सवाल, आपके सवाल का मैं विस्तार में जवाब दूंगा। हाँ, विस्तार में चाहूंगी मैं भी। हाँ जी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम परमात्मा को अपने गुरु बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से परमात्मा कई बार खुद तो नहीं आ पाता है और उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते कई बार, जो हमारे हाँ, होता है। अब उसके जवाब को सुनो कैसे जो वो बोलना चाह रहा है, तो किसी न किसी रूप में आता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक यंग लड़की थी और एक बार उसने रात को एक सपना देखा और सपने में उसको ये लगा कि परमात्मा ने उसको दर्शन दिए हैं। उसने कहा कि देखो कल जो है मैं तुमसे कोई जरूरी बात बताना चाहता हूँ, तुम मेरे को इतने बजे इस जगह पर आके मिलो। जगह भी बताए। सुबह उठी तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि देखो, मेरे को कुछ ऐसा लगा था कि परमात्मा आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई अब वहां जाओ और मैं आपको वहां पर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। उसने अपनी माँ को ये बात बोली, माँ ऐसे जो है सपने में मेरे को कल दिखाई दिया। तो माँ ने कहा बेटा देखो, जाने में कोई बुराई नहीं, तुम जाके देखो, हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश हो तुम्हारे लिए। तो वहां पर वो चले गए, वो वहां जाके कॉफी होम था एक, वहां जाकर के बैठ गई। तो बैठी तो कुछ देर बाद उनके कोई बुजुर्ग परिवार के मित्र थे वो वहां पर, बाय चांस वहां आए वो, उन्होंने देखा वो लड़की वहां अकेली बैठी है और उसके पास आके बोल के बेटा तो यहाँ पर कैसी कर, कैसी बैठी है। तो उसने टाल दिया बात को कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे किसी काम से आई थी, यहाँ बैठी थी। तो उन्होंने फिर उसके लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर देने के लिए पूछा कि तुम क्या खाओगे। तो उसने कहा नॉन वेज लोगे या वेज लोगे। तो उसने बोला अंकल आज तो ये मंगलवार है, आज तो मैं सिर्फ वेज लूंगी। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, जो दिन है सब परमात्मा के दिन है। अगर मैं ये सोच रही हूं या तो मैं अपने मन को पक्का बना लूं कि ये चीज खानी बुरी है, अगर बुरी है तो जो मंगलवार को बुरा है वो सोमवार को ही बुरा है, रविवार को ही बुरा है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ये मंगलवार को तो बुरा है लेकिन सोमवार को अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिन बनाए हैं सब परमात्मा ने बनाए। ये हमारे मन के बहम है कि हम किसी जीव को, जीव की हत्या जो है एक दिन करेंगे तो पुण्य हो जाएगी, दूसरे दिन करेंगे तो पाप हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। जीव की हत्या तो की गई है, उसको मारा गया है। तो उसने उनको ये बोला। तो उसके बाद वो जब घर आई तो माँ ने पूछा बेटा कोई क्या हुआ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कोई मिले क्या। हाँ ऐसा बताया, हाँ मिले, कोई 30,000 मिले थे। क्या बात हुई, कैसे ऐसे बात हुई थी। तो बेटा देखो इसमें भी परमात्मा ने तुम्हें कोई संदेश दिया है बहुत बड़ा। तो जो ज्यादातर लोगों के मन में ये वहम रहता है, ज्यादातर लोगों के मन में, कि नवरात्रों में नहीं खाएंगे, नवरात्रों में नहीं खाएंगे, नवरात्रों में देवी के दिन है, देवी के दिन अच्छे दिन है, कोई बुरी चीज नहीं खानी चाहिए। इसका मतलब वो बुरा मान के चल रहे हैं ना कि देवी के दिनों में बुरा नहीं खाना है, तो कुछ बुरा है ना। तो माँ ने कहा है तो माँ के पवित्र दिन है, पवित्र में कोई अपवित्र चीज नहीं खानी। ऐसे ही जो बहुत सारे अच्छे दिन होते हैं, हनुमान जी का दिन है, आज हनुमान जी का दिन है। तो अगर उन्होंने कहा बेटा ये मान लो, अगर आपको खाना है तो रोज खाओ, रोज खाओ, आपका मन को संतुष्टि है तो रोज खाओ। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी बहम है कि वो चीज बुरी है, बुरी है तो रोज बुरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन अच्छी एक दिन बुरी, एक दिन मैं कोई कर्म गलत कर लूं, एक दिन कर्म अच्छा कर लूं, वो दिन कर्म करने के लिए अच्छा है, वो दिन बुरा, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ने तुमको संदेश देने के लिए बुलाया था। तो इसका मतलब ये होता है जो लोग परमात्मा को, ईश्वर को अपने गुरु मानते हैं, वो परमात्मा उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, अब वो मैसेज कैच करना है कि नहीं करना, कि उसको अपने तर्कों पर तोलना है। कई बार हम उन बातों को, परमात्मा के संदेश को अपने तर्कों पर भी तोलते हैं। कई ऐसे लोग भी होंगे जो इसको, इस बात को भी कोई ना कोई तर्क देंगे इसके लिए। लेकिन परमात्मा ने बड़ा साफ संदेश दिया कि जो चीज एक दिन बुरी है वो दूसरे दिन अच्छी नहीं हो सकती, सभी दिन मेरे बनाए हुए हैं।
तो परमात्मा को ऐसा कई बार होता है, हमारा टेम्परामेंट होता है कई बार किसी का, उनका वो आराम से किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बना पाते, उनको लगता है कि वो मुझे गुरु वो व्यक्ति चाहिए जिसके लिए मेरा मन पूरी तरह का श्रद्धा से झुक जाए, जिसके ज्ञान से मैं ये कहूँ कि ये हाँ ये है जो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकता है, जो मेरी शंकाओं का निराकरण कर सकता है। तो परमात्मा को आप, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है, हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, क्योंकि आप जो परमात्मा आपको जिस रूप में आपको सवालों के जवाब दे रहा है, आप उसको कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो आपको मैसेज दे रहा है उनको आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, परमात्मा किसी न किसी रूप में आपको, इसलिए जो साक्षात व्यक्ति होते हैं जिनको जो आपको बता सके, जो आपको समझा सके, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये आपके सवाल का जवाब है रश्मि जी। बिल्कुल, आपने कहा ना कि ईश्वर को जो बनाते हैं फिर उससे वो तो सिद्ध से झुकते थे, हाँ ईश्वर इशारा कर देता है कि मैं किस रूप में तेरे साथ हूँ। हाँ बिल्कुल 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 जी जी रश्मि, कर रहा है वो, कर रहा है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद जी। भाई सर, अगले सवाल के लिए मैं रीता बिष्ट जी को आमंत्रित करती हूँ। जी रीता जी, नमस्ते सर, ध्यानम परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तक जितने भी सवाल आए हैं सब गुरु के ऊपर आए हैं, गुरु बनाना है, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सारे सवाल उठते हैं। आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है, जोर से बोले। हाँ हाँ जी, तो सर मैं ये सोचती हूँ कि सारे सवाल गुरु पे ही क्यों उठते हैं, कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के अंदर कैसे कैसे विशेषताएं होनी चाहिए। मेरा ये सवाल है कि गुरु तो मिल जाते हैं, और जैसे हम किसी पत्थर को पूछते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं, तो उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। अगर हम मानते हैं कि ये पत्थर शिवलिंग है तो हम उसको पूछते हैं, और इसी तरह से गुरु गुरु को हम मानते हैं, लेकिन हम गुरु के आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद या गुरु का सानिध्य हम कैसे पा सकते हैं। हमारे अंदर भी वो विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब उस शिष्य के अंदर भी वो विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो कौन कौन से गुण हैं जो एक शिष्य के अंदर होने चाहिए, ये मेरा सवाल है सर। आपका ऋतु जी जो प्रश्न है बहुत हटकर है, कि गुरु के बारे में सब पूछते हैं, शिष्यों के बारे में कोई नहीं पूछता, शिष्यों के कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अब बड़े सिंपल वे में देखें, किसी क्लास में कोई बच्चे बैठे हैं, आप टीचर हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह बता सकती हैं कि एक स्टूडेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं आपको एक टीचर के हिसाब से जवाब देता हूं, आप समझ जाएंगे। जिस तरीके से जब आप अपनी क्लास में जाती हैं, आप क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट करती हैं कि उस बच्चे में वो गुण होने चाहिए जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब क्या गुण होने चाहिए, गुण ये होने चाहिए कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसका ध्यान मेरी तरफ हो पूरी तरीके से, ध्यान ध्यान वहां भी ध्यान है, उसका पूरा कंसेंट्रेशन मेरी बातों में होना चाहिए, और वो मेहनत करने वाला होना चाहिए, जिस विषय को वो पढ़ रहा है उस विषय को वो पूरी जानकारी ले और रेस्पेक्ट दे, टीचर को रेस्पेक्ट दे जो टीचर उसके पास उसको पढ़ा रही है। तो आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है आप बहुत बेहतर समझ सकती हैं कि जो आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही गुण एक गुरु अपने जो उनके पास आता है उनसे उम्मीद करता है कि जो वो उनको बता रहा है क्या पूरा ध्यान उस तरफ है, और अगर ध्यान उस तरफ है तो क्या उस ध्यान को वो उन बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने किसी स्टूडेंट को बताया कि भाई सच बोलना चाहिए, और वो लड़का बच्चा आज बार बार झूठ बोल रहा है, तो ज्ञान देने का फायदा नहीं हुआ।
आपने स्टूडेंट को बोला नकल नहीं करनी चाहिए, आपने उसको समझाया, और जब पेपर हुआ आप उसी स्टूडेंट को नकल करते हुए पकड़ लेती हैं, तो उसका उसके लायक नहीं है। तो जो भी दूसरा उस शिष्य में ज्ञान को पाने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ेगा। अगर वो आपकी क्लास में बैठा है और उसको वो सिर्फ ये सोचता है पास हो जाऊंगा जैसे तैसे निकल करके, मेरे को नॉलेज नहीं बढ़ानी है, मेरे को उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उसको बोल रहे हो सुन रहा है, लेकिन वो सुनना ना सुनना बराबर है। तो एक शिष्य में वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छी टीचर अपने स्टूडेंट से अपनी क्लास में एक्सपेक्ट करती है, वही सेम क्वालिटी एक आध्यात्मिक गुरु अपने जो उसकी बातों को सुन रहे हैं अपने जीवन में उतारना चाहते हैं वो उनसे उसी चीज की उम्मीद करता है। लेकिन हमारे यहाँ गुरुओं में एक क्या है, एक संवाद नहीं हो पाता गुरु और शिष्य का। एक जो गुरु जिस स्तर पर पहुंच जाते हैं आमतौर पर वो संभव भी नहीं है, जिनके लाखों फॉलोअर्स हो गए, तो वो उन्होंने तो गुरु की बात सुन ली है, लेकिन गुरु ने उनकी बात सुनी क्या? इसीलिए लोग प्रेफर ये करते हैं आज के समय में कि मैं उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाऊं जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मैंने सुन लिया, मैंने उसका समागम में चले गए, उसके समारोह में चले गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी, लेकिन मेरे मन के जो बहुत से संशय हैं, बहुत सी बातें हैं, वो तो उनसे नहीं मिलेगी, उसके साथ में मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि मेरे साथ जो मेरा गाइड हो ऐसा हो कि वो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि वो बहुत बड़ा कोई विशाल काय बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटी हो, वो ऐसा होना चाहिए बहुत साधारण लेकिन परमात्मा से जुड़ के असाधारण हो गया हो, जिससे मैं भी उसके साथ जुड़ के असाधारण हो जाऊं। तो ये शिष्य में गुण होने चाहिए और ये शिष्य परमात्मा को पाने के लिए गुरु में गुण ढूंढता है। ठीक है रीता जी, जी भाई साहब एक अनोखा सवाल हमारे सामने आया था और जिसका आपने बहुत अच्छी तरह समाधान किया। मैं तैयार नहीं था इस सवाल के लिए जी, थोड़ा सा, लेकिन जब मैंने रीता जी के मुंह से सवाल सुना तो मुझे लगा रीता जी तो बहुत आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि यही सवाल ये अगर मैं इनसे करूं आपको अपने स्टूडेंट से क्या उम्मीद करते हो जी, तो ये जो मुझको जवाब देंगी वही जवाब मैं इनको दूंगा जी। बिल्कुल जी भाई साहब, अगले सवाल के लिए मैं संजय जायसवाल जी हैदराबाद से आपको आमंत्रित करती हूँ। संजय जी नमस्कार सभी भाई बहनों को। जी संजय जी सरलता से समझाते हैं, ज्ञान का भंडार मेरे जो मिलते जा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि जीवन भर आपका आभारी रहूं। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर, गुरु को भगवान के बराबर कहा जाता है, ऐसा कई लोग भी हैं, क्या ये सही है सर? जी जी संजय जी, देखिए जब हम गुरु को भगवान के बराबर कहते हैं तो जो कहने वाले का मन क्या होता है, मन कुछ और होता है, तो वो ये कहता है जैसा कि अभी रश्मि जी ने पूछा था सवाल, वो ये कहता है कि मैं भगवान को डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा, आमतौर पर भगवान के मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं, तो वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को मिल जाए जो भगवान के मैसेज मेरे को दे दे। तो भगवान की बातों को हम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है वो गुरु बन जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति जो भगवान की बातों को हम तक पहुंचा रहा है क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है उस समय में क्योंकि भगवान का मैसेज हम तक दे रहा है वो, तो उसको हम भगवान से तुलना करने लगते हैं। अब ये भी कहा जाता है गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मिला। तो उसमें देखिए मैं थोड़ा सा अलग सोच के चलता हूँ। मैं कभी उन लोगों की सराहना नहीं करता जो अगर आप स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं और अपनी तुलना भगवान से करने लगे। आप सूर्य की रोशनी में अगर चांद चमकता है तो चांद सूरज नहीं हो जाता है, चांद में अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है तो रात को चांद चमकता हुआ नजर आता है, दिन में तो नजर भी नहीं आता है। तो
अगर परमात्मा ने हमें किसी गुरु को किसी किसी भी गुरु को कोई ज्ञान दिया है परमात्मा ने, और वो उस गुरु के ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा पा रहा है, वो रास्ता बता पा रहा है गुरु परमात्मा तक पहुंचने का, तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि सूरज तो सूरज है, चांद सूरज कभी नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है, वो परमात्मा की रोशनी से चमकने लगता है, परमात्मा उस पर कृपा करता है तो वो अपनी कृपा दूसरों पर बरसाता है। तो जो व्यक्ति जो परमात्मा का ज्ञान उस व्यक्ति से पा रहा है उसको सम्मान देता है, वो परमात्मा के समान सम्मान देता है, लेकिन वो सम्मान के योग्य जरूर है लेकिन परमात्मा नहीं है। ये जो कहा भी जाता है गुरु गोविंद दो खड़े, तो वो कहता है उसके मन का भाव क्या है, वो कहता है कि परमेश्वर जब तुम मेरे को मिल जाते हो, पहली बात जब दो खड़े का मतलब क्या है, दो खड़े हैं एक नहीं खड़ा है, यहाँ पर क्या होते हैं सिर्फ गुरु खड़ा होता है, तो उसका उद्देश्य है गुरु गोविंद दो खड़े, पहले तो ये याद रखिए कि इसका मतलब उस गुरु ने आपको गोविंद से रास्ते पर चला दिया है, तभी तो आपको गोविंद मिले, तभी तो आपको गोविंद से मिलने की इच्छा पैदा हुई। वो कहता है कि हे मेरे गुरु मैं तेरे पर बलिहारी जा रहा हूं, तूने मेरे को उससे मिलवा दिया है कि दोनों मेरे सामने प्रकट हो गए। वो कहता है मैं तेरे को बलिहारी जाता हूँ, तेरे मैं पहले तेरे को प्रणाम करता हूँ कि तूने मुझे उससे मिलवा दिया, उसके साथ तो मैं जिंदगी भर रहूंगा, उसकी तो जिंदगी भर उस चरण वंदना करूंगा, तेरी चरण वंदना करता हूँ कि तूने मुझे उससे मिलवा दिया, उस परमात्मा से मेरे को मिलवा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने तुमको, तो उस गुरु को बलिहारी है जिसने गोविंद से मिलवा दिया है। तो किसी भी वैसे तो हर व्यक्ति में हर जीव में परमात्मा का वास है, हमारे यहाँ तो ये फिलोसफी कहते हैं कि हर जीव गुरु तो बाद में है, हर जीव में परमात्मा का वास है, लेकिन परमात्मा के गुणों का वास विकास भी तो होना चाहिए। हमें परमात्मा ने बहुत सी क्वालिटीज दे दी हैं, लेकिन क्वालिटीज हमारे अंदर है, हम उनको विकास नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति उन गुणों का विकास करके अपने को परमात्मा के समतुल्य ले जाता है, मतलब परमात्मा के गुणों का अपने अंदर अपने गुणों में परमात्मा के गुणों को मिला लेता है, वो व्यक्ति गुरु कहलाता है, वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा तो सूर्य बनाता है, तारे बनाता है, सृष्टि बनाता है, गैलेक्सी बनाता है, तोड़ता है। तो परमात्मा से तुम किसी को भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो जो धरती को बनाने वाला, जो अरबों साल पहले जिसने धरती बनाई थी, कितनी बार तो उसको विनाश कर चुका है, बिग बैंग हुआ, कितनी बार बिग बैंग हुआ है, जब डायनासोर खत्म हो गए, उससे पहले पता नहीं क्या क्या खत्म हुआ, तो ये सृष्टि कितनी बार खत्म हुई, कितनी बार बनी और कितनी बार खत्म होगी, कितनी बार बनने के नहीं पता। परमात्मा तो परमात्मा ही है, लेकिन गुरु आदरणीय है, गुरु सम्माननीय है, ये बात जरूर है। ठीक है संजय जी। जी सर, मेरे प्रश्न का बहुत सरलता से आपने मुझे ज्ञान दिया सर, इसी कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर, मेरे मन में बहुत विचार होते थे गुरु भगवान के बराबर है, लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मुझे ज्ञान का भंडार मिलता रहे सर। आज गुरु धन्यवाद संजय जी, बहुत अभिनंदन करता हूँ सर, बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई, करूंगी कि अपना माइक बंद कर दें, काफी डिस्टर्ब कर रहा है। और भाई साहब, जिससे कि आपने बताया कि सूरज की रोशनी से चांद चमकता है, ऐसे जब ईश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे गुरु में प्रविष्ट करा देते हैं, तो वो हम आम लोगों के लिए मार्गदर्शक बनकर सामने आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। अगले सवाल के लिए मैं गुरविंदर जी को आमंत्रित करूंगी। गुरविंदर जी। जी रितु जी, बहुत सारे सवाल जवाब सुन रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है, नॉलेज भी मिल रही है। यहाँ पर कुछ जो सवाल पहले उठे रितु जी, कि क्या गुरु धारण करना जरूरी है, या कुछ भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु की इम्पोर्टेंस हम यहीं से कर सकते हैं, जब हम बोलते हैं कि जो माँ है वो हमारी पहली गुरु है, और माँ को भगवान का रूप बोला जाता है, और माँ को हम पहला गुरु बोलते हैं, तो कैसे एक रूप हो जाता है ये सारी चीजें,
तो यहाँ पर अच्छा शिष्य कैसे बनना है, अच्छा गुरु कैसे बनना है, ये सारी चीजें तो सुन ली भैया। अब मैं ना अपने जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है मैं वो सुनना चाहती हूँ बहुत विस्तार से। अपने जीवन में गुरु का महत्व क्या है? अच्छा, हमें गुरु मिल जाए तो हमारे जीवन में क्या चेंजेस आ जाते हैं? जी, गुरु जी, के प्रकार से हमारा जीवन कैसे जगमगा जाता है? बस गुरु के प्रशंसा, गुरु के गुण। जी, अपने जीवन में, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरविंदर का प्रश्न है कि मेरे को, मेरा जीवन कितना बदल जाएगा अगर मेरे जीवन में मेरे को सार्थक गुरु मिल जाएंगे, अगर मेरे जीवन में वो मुझे मिल जाएंगे जो मेरे को मार्गदर्शन सही तरह से कर सकते हैं। गुरविंदर का प्रश्न है। गुरु जगाता है, गुरु आपको, आपके अहम को चोट पहुंचाता है, गुरु आपको उन सवालों का जवाब देता है जो आपके पास नहीं होते, और आपके मन में बहुत से सवालों को भी पैदा करता है जो आपके पास पहले सवाल ही नहीं थे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो आप, जब आपको लगता है कि मेरे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप सवालों को भी तैयार करते हो। उससे पहले आपके मन में बहुत से सवाल, जब आपको पता होता है कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा तो आप सवालों को तैयार भी नहीं करते हो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है तो आप सवालों की लिस्ट भी बना देते हो। तो मेरे जीवन में गुरु क्या करेगा, गुरु के आने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? सबसे पहले तो जगाएगा। आप ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं हम तो जाग रहे हैं, हमको क्या जगाएगा? गुरु आपको बोलेगा जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब छोड़ चला संसार। गुरु आपको ये बताएगा कि अब तक तुम जो जागना समझ रहे थे वो जागरण नहीं था, वो तो अपने को दिलासा था कि तुम एक माया के संसार में, जिसको तुम जागना कह रहे हो वो तो सोना है। तो रोज उठना, काम करना, करके थकना, थक के सो जाना, यही दिनचर्या चल रही है। गुरु बताता है ये जीवन नहीं है कि रोज उठो, काम करो, थको, सो जाओ, फिर अगले दिन उठो, फिर थको, फिर काम करो, सो जाओ। जीवन कुछ इसके बाहर भी है, जीवन इसके बाहर झांकना भी है, जीवन इसके बाहर देखना भी है, और जाग करके देखना है कि ये जीवन नहीं है कि जो दिन भर में पेपर्स में उलझाऊं, पेपर्स में, किताबों में उलझाऊं, ये जीवन नहीं है। जो दिन भर में गृहस्थी के कामों में उलझाऊं, ये जीवन नहीं है। इस सारे दिन में इसकी उसकी में उलझाऊं, इसकी भलाई इसकी बुराई, ये जीवन नहीं है। इसके परे भी कोई जीवन है। तो जिस दिन आपको गुरु मिल जाता है और आपके मन में उत्सुकता पैदा हो जाती है, आपके मन में एक सवाल पैदा हो जाते हैं कि इसके परे कुछ है क्या, अब तक तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्या इसके परे कुछ है? तो वो जब आपको बताता है हाँ इसके परे बहुत कुछ है, और जब तुम उसके परे झांकोगे, इसके परे सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन में वो चीजें घटेंगी जिनको करने के लिए, जिनको पाने के लिए, जिनको समझने के लिए तुम इस धरती पर आए थे। जब वो कहता है बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्म तुम्हारे लिखे, जब गुरु तुमको बताता है कि ये जो तुम पता नहीं कितने जन्मों से तुम यही सब करते रहे, बिछड़े रहे उससे, परमात्मा ने बार बार तुमको जन्म दिया और तुमको बोला कि देखो ये जन्म बेकार मत करना, तुमने वायदा किया आज बेकार नहीं करूंगा, फिर बेकार कर दिया। तुम तो कुछ भी योग करके नहीं गए, वैसा का वैसा करके चले गए, अपने जीवन में कोई योग किया ही नहीं, आध्यात्मिक योग तो कुछ किया ही नहीं। ये शरीर जो तुम यहाँ इकट्ठा कर रहे थे, गुरु बताता है तुमको
इसमें से तुमको कुछ भी लेके नहीं जाना है। ये जो तुम मकान बना रहे हो, जमीनें बना रहे हो, पैसे इकट्ठे कर रहे हो, भौतिक शरीर भौतिक जीवन के लिए ठीक है, संसार में चाहिए, लेकिन कितने? वो कहता है कि एक लिमिट, एक संतुष्टि का स्तर होना चाहिए। कितने महल बनाओगे, क्या सब में रह पाओगे, कितनी जमीन खरीदोगे, दो गज जगह ही पाओगे, तुम कितनी जमीनें खरीदोगे, जगह तो दो गज चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ तुम्हारे साथ जाएगा ही नहीं। जो तुम्हारे जब वो तुमसे बताता है कि देखो जो तुमको लेके जाना है अपने साथ में उसका संचय करो, और वो क्या लेके जाना है, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो हमारे कर्म है। हमारे कर्म ऐसे हो कि जो हम इस जीवन में ऐसा करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। वो सार्थकता की परिभाषा बहुत बड़ी है, उसमें उसके बारे में बात करूंगा तो बहुत कुछ आ जाएगा कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हम वो करें जो हमको इस जीवन में करना चाहिए। तो जब गुरु जीवन में आ जाता है तो हमको अपने जीवन की सार्थकता का पता चलना शुरू हो जाता है, और जो निरर्थक बातें होती हैं हमारे जीवन की बहुत सी, वो छूटनी शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, ये गुरु के आने के बाद ही होते हैं। ठीक है गुरविंदर, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पर पता भैया क्या मन में विचार आ रहा है, जब नानक ने ये चीजें खोजी होगी तो नानक को भी गुरु की महत्ता पता चली होगी, और तभी नानक जी ने भी कहा था वाह गुरु वाह गुरु, हर पल के साथ, हर सांस के साथ जिसे हम सिमरते हैं, वाहे गुरु वाह गुरु। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला तुमने। जी भाई साहब, बहुत अच्छे से आपने समझाई ये बात। अगले सवाल के लिए मैं हैदराबाद से स्मिता जायसवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। स्मिता जी, स्मिता जी, सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है, वैसे तो अभी सभी ने इतने सारे सवाल पूछे तो उसमें मुझे बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं, फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या दूसरों की देखा देखी उनके गुरु को अपना गुरु बना लेना चाहिए, और क्या आप प्रकृति को भी अपना गुरु मान सकते हैं? हेलो जी, स्मिता जी एक मिनट वेट कीजिए। जी जी, गुरविंदर जी, तो ठीक है, ये जो प्रश्न आया इनका, स्मिता का प्रश्न आया जी, तो इनका ये प्रश्न आया कि क्या दूसरों की देखा देखी हमको गुरु बना लेने चाहिए, और यही प्रश्न है आपका स्मिता, कुछ और भी है? हाँ जी जी, क्या दूसरों की देखा देखी उनके गुरु को अपना गुरु बना लेना चाहिए, और अभी जैसे भी सूरज चांद की भी बात निकली तो और एक सवाल मन में आया है कि क्या प्रकृति को भी हम अपना गुरु बना सकते हैं? क्या दूसरों की देखा देखी उनके गुरु को अपना गुरु बना लेना चाहिए? जी, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो गुरु बनाना चाह रहे हैं, हमारा गुरु बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ इसलिए गुरु बनाना चाह रहे हैं कि गुरु होना चाहिए, क्या सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहे हैं, या हम इसलिए गुरु बनाना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन की सार्थकता का पता लगे, हमें प्रश्नों का जवाब मिले, और जिस तलाश में हम भटकते रहे
वो तलाश कहीं जाकर के खत्म हो जाए। तो पहले तो हमें अपने से सवाल करना होगा कि क्या हमको कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा गुरु जो दूसरों के कहने से आप अपने को संतुष्टि कैसे प्राप्त कर लोगे। जो संतुष्टि है वो तो आपका मन बता सकता है, आपका अंतर मन बता सकता है, मेरा मन बता सकता है कि मेरे मन को जो चाहिए वो क्या चाहिए, कोई दूसरा नहीं बता सकता। हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति की चाहत हो वो उसको मिल रही हो, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने से कंसर्न हूं, अपने मन से कंसर्न यहाँ पर हूं, जो मेरे मन को चाहिए, जो मेरे मन को जो तलाश है वो मुझको कहाँ मिलेगी। तो मेरे मन की तलाश जहां जाकर के रुकेगी, जो मेरी मंजिल है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की मंजिल भी वही हो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मंजिल होती है, अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अपने सवाल होते हैं, अपने अपने टेम्परामेंट्स होते हैं। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए भोजन कुछ चाहिए तो दूसरे व्यक्ति को भोजन अलग चाहिए। ऐसे ही मन का भी है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके जो भोजन को, जो उसके जो मन को जो भोजन चाहिए, उसकी जो सवालों का जवाब चाहिए, उसके अध्यात्म को जो ज्ञान चाहिए, वो दूसरों के स्तर जरूरी नहीं, दूसरों के स्तर का हो सकता है वो उसका लेवल अलग हो। जहां पर जाके मेरा मन टिक जाता है, जहां पर जाके मेरे मन को संतुष्टि मिलती है, वहां पर मैं अपना गुरु देखूंगा, अपने गुरु देखूंगा। भले ही मेरा गुरु बहुत साधारण हो, कोई मेरे साथ में पड़ोस में रहने वाला हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई नाम हो जिसके पीछे लाखों लोग भागते हो। वो अगर मेरे को संतुष्ट कर पा रहा है, मेरी बातों का जवाब दे पा रहा है, मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे चला पा रहा है, तो वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरा गुरु है। और प्रकृति तो गुरु है ही, प्रकृति हमको बहुत सी चीजें सिखाती है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, ये तारे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको संदेश देते हैं। ये मौसम, ये ऋतुएं जो बदलती हैं, निर बदलती हुई ऋतु, ये हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश तो देती हैं, लेकिन वो संदेश उस तरीके का नहीं जो एक हमको गुरु से जो संदेश चाहिए, जो हमको सवाल जवाब, वो प्रकृति उस तरीके से हमारे गुरु नहीं बन सकती। अगर आपका सवाल परमात्मा से है तो परमात्मा से तो मैं हाँ कह सकता हूँ, परमात्मा को अपना गुरु बना सकते हैं। तो परमात्मा आपको माध्यम दे देगा कोई ना कोई कि चलो ठीक है, मैं आपको माध्यम दे रहा हूं, आप इनसे अपने सवालों का जवाब लो, या आपको कोई मैसेज देगा। लेकिन आपको जो गुरु बनाना है, या आपको अपनी मनस्थिति के हिसाब से देखना है, आपको अपने अंतःकरण के हिसाब से देखना है, अपने आपको अपने मन के सवालों के हिसाब से देखना है, तो किसी और के बनाने से आप कैसे बना सकते हो। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मन है, अलग अलग अंतःकरण है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। धन्यवाद स्मिता, बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है जी। भाई साहब बहुत सरल और सहज तरीके से आपने सभी की शंकाओं का समाधान किया है। एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ कि किस उम्र में हमको गुरु बनाना चाहिए, और क्या हमारे जीवन में एक से अधिक गुरु हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत से लोगों का होता है, खासतौर पर दूसरा वाला सवाल तो बहुत से लोगों का होता है कि क्या हमारे एक से अधिक गुरु हो सकते हैं और किस उम्र में हमको गुरु बनाना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से अपना आध्यात्मिक विकास होता है। जैसे वो जो बच्चे आते थे, अर्जित और कान्हा, कृष्णा, उन दोनों बच्चों का जो आध्यात्मिक विकास है
वो मैं महसूस करता हूँ कि बाकी बच्चों से हट करके है, खासतौर पर अरिजीत का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कम उम्र में उस ज्ञान की चाह में निकल पड़ते हैं, वो ज्ञान को पाना चाहते हैं, जो कोई व्यक्ति का जन्म इसकी तलाश में नहीं निकलता है। तो इसका जवाब ये है कि कोई ऐसा उम्र नहीं है, जिस उम्र में भी आपको वो प्यास पैदा हो, जिस उम्र में भी हमारे मन में वो इच्छा पैदा होती है, और जिस उम्र में भी परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा आपको बताना चाहता है, उस उम्र में हम गुरु पा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या एक से अधिक गुरु हो सकते हैं? अगर मैं ये सवाल रीता जी से पूछूंगा, वो तो कहेंगी हाँ स्कूल में तो एक से ज्यादा टीचर तो होते हैं, हमारे केमिस्ट्री के अलग हैं, बायोलॉजी के अलग हैं, फिजिक्स के अलग हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। तो अध्यात्म में आमतौर पर क्या होता है कि जो व्यक्ति हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, उसको ज्यादातर लोग एक व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अगर मेरे को एक व्यक्ति से मेरे सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं, मेरे को सब ज्ञान मिल रहा है, तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा कोई एक गुरु है, मैं किसी को गुरु मानता है या मानती हूं, तो मैं कहीं और से ज्ञान ले ही नहीं सकती, कहीं और से मैं ज्ञान ले नहीं सकता। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मैंने अपना गुरु माना है, गुरु बनाया है, जिनको मैं अब तक मानती रही हूँ, उन सवालों के जवाब मुझे ना मिल पाए हूँ जिनको मैं अब पाना चाह रही हूँ, वो कहीं और से मेरे को मिल जाए। तो जैसा मैं आपके, वो दूसरे गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके गुरु जिनको आप पहले मानते हैं ना, वो भी आदरणीय है, और जिस गुरु से आपको सवालों के जवाब मिले हैं, वो भी आपके लिए आदरणीय है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसे परमात्मा, कोई ऐसे दो व्यक्तियों को गुरु बनाता है जो आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलाते हैं, दोनों एक ही दिशा दिखाते हैं। ऐसा नहीं है एक कह रहा है पूर्व चलो, एक चलो पश्चिम चलो, दोनों एक ही तरह बात करते हैं, एक ही दिशा दिखाते हैं और एक ही परमात्मा की दिशा आपको दिखाते हैं। तो एक से अधिक गुरु भी हो सकते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, अगर मेरे आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब मुझे एक जगह से मिल रहे हैं, कोई मार्गदर्शन मेरा एक व्यक्ति कर रहा है, तो ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो मुझे उनसे बेटर बता पाए, उनसे बेहतर बता पाए मेरे सवालों का जवाब मेरे मन के हिसाब से। दूसरा, हम इम्प्रेस हो जाते हैं आमतौर पर किसी गुरु की जब बात आती है, हम कहते हैं देखो वो गुरु कितना बड़ा है, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, उसकी टीवी पर आता है, उसके लाखों फॉलोवर्स हैं उनके, तो उनका कोई भी आपके अंतःकरण से, आपके मन से कुछ लेना देना नहीं है। वो उसको आप, मेरा मन मेरा है। अगर मैं किसी बहुत बड़ी, कोई साधारण व्यक्ति है, वो कोई बहुत बड़े फाइव स्टार होटल में न जाकर के कोई छोटी सी दुकान पर जाकर के उसको अच्छा खाना उसके मन मुताबिक मिल जाता है, जनरल साधारण व्यक्ति के, तो क्यों जाएगा वहां पर वो, जो उसके घर के पास भी है, जो उसको स्वाद भी देती है, जो उसको सेहत भी खराब नहीं करती। तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिलता है जहां से आपको ज्ञान मिलता है, कोई भी, तो वो आपका गुरु हो सकता है। और अगर दूसरा भी आपको कोई मिलता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट ना हो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। ठीक है रितु जी? भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न के लिए मैं पूनम गोकुलपुरे को आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी। जी, जी. जी पूनम जी, पूनम आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। आज हमेशा सबके ना एक एक सवाल है, मेरा दो सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आपसे बहुत सारे सवाल नहीं किए। पूछिए पूछिए। तो एक जो मेरा सवाल है वो गुरु से है, और एक जो सवाल है वो कुछ अलग है। तो पहले मैं गुरु से रिलेटेड सवाल करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग रूपों में गुरु आते हैं हमारे सामने, कई बार हमें पता नहीं होता है कि मतलब वो किस रूप में आके हमें क्या संकेत दे के चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसे ऐसा यदि होता है, मेरे साथ भी कहा गया है कि हुआ है, मैंने आपके रूप में भी अपने जो मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, आपसे कहा भी था कि मुझे संकेत हुआ कि आपके रूप में मुझे मार्गदर्शन शायद संवाद के लिए आपको भेजा गया है मेरे जीवन में मेरे सदगुरु साईं बाबा ने। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे वो आत्मसंतुष्टि जैसे
आम इंसान से ज्यादा एक गुरु में होती है, एक ईश्वर में होती है, ईश्वर के बाद गुरु में होती है, तो वो आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं मिल पाती है? जैसे एक सुकून मिलना चाहिए गुरु के, यदि हम छत्र छाया में हैं तो शायद हमारे सारे समाधान हो गए हैं, लेकिन एक फिर भी बुद्धि एक आत्मा को संतुष्टि और प्रसन्नता क्यों नहीं फील, हम उस ऊर्जा को क्यों नहीं फील कर पाते हैं जो है हमारे साथ? ये मैं मतलब समझा नहीं आपका सवाल जी भाई साहब। पूनम आपके वहाँ शायद बहुत हवा चल रही है जिससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, शायद आप थोड़ा अंदर बैठ जाएंगी और फिर पूछे। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है पर वो हवा के कारण काफी डिस्टर्ब। चलिए कोई बात नहीं, आप माइक पास करके पास में लेके बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे हम आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं पाते हैं गुरु से, जैसे हमें संकेत मिलते हैं या फिर कई बार वो गुरु हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी में रूप में मिलके हमको संकेत देके चले जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, हमें बाद में समझ में आता है, लेकिन उस समय एक ऊर्जा जो एक एनर्जी जो एक आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल पाती है? मतलब गुरु के पास में रहने से एक ऊर्जा मिलनी चाहिए और आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, वो बुद्धि में आज भी उलझती हूँ उस चीज में कि यदि मेरे पास गुरु तो है तो फिर मुझे संतुष्टि का वो एक साइन क्यों नहीं है मेरे अंदर? वो कैसे पहचानूं मैं? हाँ पूनम जी आपका सवाल मैं शायद, चलिए मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। आप ये कह रहे हो कि मैं गुरु, मतलब मैं थोड़ा समझा के बताएं आपका सवाल क्या है। जैसे मतलब मैं गुरु से जुड़ी हूँ, मेरे गुरु आप है ठीक है, या फिर मेरे गुरु साई बाबा है, तो साई बाबा यदि मुझे किसी रूप में आके मिल गए हैं, उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली कोई तो भी संकेत दिया हुआ है कि ये सही है या ये गलत है या ये करना है या ये नहीं करना है, अब वो मुझसे मिलके चले गए, मुझे शायद उसका सवाल का जवाब भी मिल गया जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे वो संतुष्टि, वो तो गुरु है, वो तो मतलब बहुत बड़ी चीज है, मतलब उनके अंदर से जो ऊर्जा और जो एक पॉजिटिव वेव वो मुझ तक क्यों नहीं पहुंची उस वक्त जब वो मेरे सामने आए, तो वो मुझे मिले किसी भी रूप में, तो मुझे उस वक्त संकेत, वो संकेत आत्म संकेत क्यों नहीं हुआ? मतलब जब साईं बाबा से आपको संकेत मिला उस समय की बात कर रहे हैं? या आपसे मैं कोई संवाद करती हूँ तो मुझे उसमें आत्मसंतुष्टि भी चाहिए, जैसे सामने से यदि मुझे संकेत देके चले गए हैं आपके रूप में, या तो वो आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं देता है? मुझे समाधान तो मिल जाता है पर आत्मसंतुष्टि रहती है ना, गुरु से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, संतुलन हो जाता है अंदर, जो एक तूफान रहता है उसमें एक संतुलन हो जाता है, वो क्यों नहीं हो पाता है संतुलित? अच्छा ठीक है, आपके जो सवाल होते हैं पूनम जी उसके लिए हवा बहुत है। हाँ, नहीं नहीं वो तो ठीक है, आपके जो सवाल होते हैं उसके लिए मेरे को भी एक बार सोचना पड़ जाता है मैं क्या जवाब दूं। चलिए दूसरा सवाल करूं भैया, मैं दूसरा सवाल। हाँ, नहीं, इसका, हाँ, दूसरा भी सवाल कीजिए। हाँ, इसका जवाब दे देता हूँ मैं, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पूनम जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। ऐसा कोई ना मिले हरि मिलन का गीत, ऐसा कोई ना मिले हरि मिलन का भी गीत, तन मन भूले बद हिरन जो सुने बधिक का गीत। कहते हैं कि वन में जो कहावत है कि पहले जो शिकारी होते थे जब शिकार करने जाते थे तो हिरण को पकड़ने के लिए कोई ऐसा गीत
गाते थे या कोई ऐसा संगीत छेड़ते थे कि जो हिरण होता था खींचा चला आता था उस संगीत से, और वो जो शिकारी होते थे वो इनका वध कर देते थे। तो आपका सवाल ये है कि मुझे कुछ ऐसा संगीत क्यों नहीं मिलता है, कि जो मुझे कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलता है कि जिससे मैं, मेरा जो मन की संतुष्टि है, ऐसा कोई गीत मुझे क्यों नहीं मिलता है कि जो मेरा मन है वो सरोवर हो जाए, भीग जाए। हाँ, मेरे मन हाँ, को हाँ, यही है जो मेरे मन को पूर्ण संतुष्टि मिल जाए। हम आपको मिले, कोई आपको मिला, आपके मन में बहुत से सवाल थे, उसने आपको बताया कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, आपको दिशा का निर्देश दिया कि ये दिशा है जो आपके सवालों का जवाब है, आपको उनका जवाब पाने के लिए आपको ये करना है, इस तरफ आपको चलना है, बता दिया आपको दिशा, बता दिया मेरे को दिशा, बता दी कि लेफ्ट में चलना है राइट में चलना है, चलना मुझे खुद पड़ेगा या किसी से। मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरे को कोई ऐसा मिला जिसने कहा कि मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन, जो आपको पसंद है आपको स्वादिष्ट भोजन आपको दे सकता हूँ, आप निकल ला दो, आपको स्वादिष्ट भोजन ला दिए, खाना मुझे खुद पड़ेगा, खाना मुझे पड़ेगा। जब तक वो उस दिशा में मैं नहीं चलूंगी, जब तक वो काम मैं नहीं करूंगी जो मेरा मार्गदर्शक मुझे बता रहा है, जो मेरा गाइड मुझे बता रहा है, तब तक मेरे मन में बेचैनी रहेगी, मेरे मन में बेकरारी रहेगी, और उसके लिए मुझे उस व्यक्ति से, अपने गाइड से निरंतर गाइडेंस चाहिए। मुझे बार बार अपने सवालों के जवाब उससे चाहिए कि मेरा मन बेचैन है, और हर एक का मन बेचैन अलग तरीके का होता है, मेरा मन क्यों बेचैन है उसको आपको बताना पड़ेगा कि मेरे मन की बेचैनी किस तरह की है, और जब वो आपके मन की बेचैनी को समझ जाएगा तो आपके मन की बेचैनी को बता भी देगा। हो सकता है जो आपके मन की बेचैनी हो उसके कारण वो दूसरों के मन की बेचैनी से बहुत अलग हो, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर खड़ा है, कोई मूलाधार पर खड़ा है, कोई स्वाधिष्ठान पर खड़ा है, कोई मणिपुर पर खड़ा है, कोई अनाहत पर खड़ा है। तो ये जब तक उस व्यक्ति को नहीं पता होगा कि आप किस चक्र पर खड़े हो, आपके मन का, आपके, आपकी इच्छाओं का, मन का धरातल क्या है। जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जैसे आपके महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, वो सब जगह एक साथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में, घर पर होगी और घर से कुछ दूर तक नहीं होगी, जब हो रही है तो आसपास जितनी जहां तक बादल है वहां तक बारिश होती है। तो जो गुरु आपको बात बताएगा, जो आपको ज्ञान देगा, जो उस बादल की बरसात होगी वो सबके लिए बराबर होगी। अभी डिपेंड करता है कि कोई धरती उस बारिश को जल्दी सोख लेगी, पानी को जल्दी सोख लेगी, और कोई धरती जो है किसी कारण से उस पानी को नहीं सोख पाएगी। हो सकता है कि वो जो धरती पानी को जल्दी सोख रही है वो ऐसी धरती हो जहां पर पानी जल्दी जा सकता हो, और कोई धरती ऐसी हो जहां पर शायद कुछ ऐसा कंक्रीट के बनी हो, सीमेंटेड हो, जहां पर हो सकता है कि पानी बह जाए, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो जो मेरे मन की अवस्था है, मेरे मन को, अवस्था को, मेरे अपने को, मन को, उन चीजों को पाने के लिए जो मैं पाना चाहता हूँ, पहले अपने मन को समझना पड़ेगा, अपने मन को उसके लिए लेवल करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो बारिश हो रही है उस बारिश के लिए उस पानी को अपने भीतर आत्मसात करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करूंगी तब तक मेरा मन बेचैन रहेगा। अब ये मन की बेचैनी जो आपकी, अब ये व्यक्तिगत स्तर पर हर एक की अलग अलग होती है, जो व्यक्तिगत स्तर पर बात करके ही हो सकती है, लेकिन जनरल इसका जवाब तो यही है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? हाँ भैया, दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि जैसे हम लोग जो ध्यान करते हैं, जो हमारा जैसे रेगुलर होता है या जब भी, तो क्या उसमें दिन का महत्व है? मतलब जैसे आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, तो
आज भी मेरा ध्यान जैसे बहुत ही अच्छे से लगा, भले ही 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए लगा, लेकिन बहुत अच्छे से लगा। इवन मुझे आपने जब हिमालय की बात की थी कि हम लोग हिमालय में हैं, तब मुझे अपने गुरु के भी दर्शन हुए, साईं बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मेरा सवाल ये था कि जैसे अमावस्या के दिन कुछ सभी लोग कहते हैं कि नेगेटिव वेव्स होती है सब जगह, तो क्या हमारे ध्यान पे उस नेगेटिव वेव या दिन का, पूर्णिमा अमावस्या या मंडे ट्यूसडे ऐसे जो होते हैं, वो सब चीजों का फर्क पड़ता है हमारे ध्यान पर लगने में, ध्यान लगने में? हाँ, हमारे ध्यान पर, हमारी पूजा पर, हमारे जो ध्यान में जाने पर, स्थान, दिन, समय, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। स्थान, कुछ जगह ऐसी होती है जहां बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और कुछ जगह, घर में भी आप देखते हैं, कुछ एक जगह आपका जो पूजा का स्थान होता है वो अलग होता है, आप किचन में पूजा नहीं करते हो, तो स्थान और दिन, कोई कोई दिन में अगर आप समय को देख के चलते हैं, अब रात को आप अगर 2 बजे उठ के तो कोई ध्यान नहीं करेगा, वो समय भी देखना पड़ता है। जिस समय मैं नींद में, मैं बहुत ज्यादा नींद मुझे नहीं आ रही है, उस समय ध्यान भी नहीं तभी कर पाऊंगा जब मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। स्थान, समय और दिन, और दिन का भी ऐसा है कि कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, खासतौर पर हमारे जो हिंदुओं में सनातन धर्म से, किसी किसी दिन का ऐसा महत्व होता है, बताया गया है कि उस दिन में अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान ज्यादा अच्छी तरह लग जाता है। वैसे तो जो लोग ध्यान में रोज जाते हैं उनका ध्यान तो कभी भी बैठने लग जाता है, फिर भी इसका महत्व होता है, किसी किसी दिन जो होता है ध्यान हमारा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, थैंक यू भैया। जी भाई साहब। जी रितु जी। जी, आपने बहुत खूबसूरती से पूनम जी के सवालों का जवाब दिया, और अभी हमारे जो अन्य सदस्य आज के प्रोग्राम में उपस्थित है, क्या उनमें से किसी का कोई सवाल है तो मैं चाहूंगी कि वह पूछे। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। जी शोभा जी। हाँ जी शोभा। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और बात ये कि अभी आपने हर चीज से इतनी अच्छी तरह से समझाया है, ये जैसे चांद और सूरज के उस, और फिर दूसरा गुरु और शिष्य के बारे में, और तीसरा कि गुरु को भगवान माने, मतलब उनको मानकर चलना चाहिए, और शिष्य भी कैसा होना चाहिए गुरु, ये सब चीजें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि सारी बातों का बड़ा अच्छी तरह से समाधान मिला है, बहुत खुश हुई। और हम कहेंगे कि हम अंतरात्मा से आपको अपना गुरु। सबको म्यूट कर दीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी। जी रितु जी। जी भाई साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रचना जी को आमंत्रित करती हूँ। एक बात और, हम अंतर मन से आपको अपना गुरु मानकर चल रहे हैं। नमस्ते। धन्यवाद 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 शोभा जी, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू शोभा जी। रचना जी। नमस्ते। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और ध्यानम के जितने भी सब सदस्य हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसके लगा रहे भाई साहब? पहले म्यूट कर दीजिए, आनंद जी का माइक चालू है।
रचना जी आपका माइक ऑन कीजिए। जन्मदिन की शुभकामनाएं गुरु जी। धन्यवाद। आपके बिना ज्ञान नहीं, आपके बिना ध्यान नहीं, तो इसी पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी। सुनिए सुनिए। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, 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 अंधकार है तब तक अंधकार ही है तब तक दिन ना हो सही मान रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, मिलना गुरु का अगर सहारा, मिलना गुरु का अगर सहारा, मिटे ना मन का अंधियारा, मिलना गुरु का अगर सहारा, मिटे ना मन का अंधियारा, लक्ष्य न कोई दिखाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता, पग आगे रख मन डरता डरता आ आ, आ, आ। जब तक ना हो गुरु का सहारा, व्यर्थ है ये धरती की शान रे रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, जीवन का अंधियारा मिटे ना जब तक गुरु का हो ना सहारा, हो 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 हो, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, जब तक रहती गुरु से दूरी, जब तक रहती गुरु से दूरी, ज्ञान की भरती रहती अधूरी, ज्ञान की भरती रहती अधूरी, दिव्य सरस जीवन कर देते सभी दुखों को गुरु हर लेते, सभी दुखों को गुरु हर लेते, गुरु बिन जीवन ऐसा होता, गुरु बिन जीवन ऐसा होता, जैसे
जैसे जैसे जैसे प्राण नहीं रे हो, जैसे प्राण नहीं रे नहीं नहीं जैसे प्राण नहीं रे गुरु बिन जीवन ऐसा होता, जैसे प्राण नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन शान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन शान नहीं रे सा ग प ध नी ग म सा रे ग म प ग प नि सा सा गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन शान नहीं रे गुरु बिन प्राण नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं धन्यवाद बहुत सुंदर अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। शोभा जी आपका माइक बंद कीजिए। मैं साईनाथ जी से आग्रह करती हूँ कि वे एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद हम समाप्त। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सभी को, गुरु पूर्णिम की शुभकामनाओं के साथ। आज भी मैं एक गुरु की वाणी के साथ भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। जित बिथरावे तित ही बैठो, जो पहरावे सोहे सोहे पहरो, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बिचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु पर ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरे देवो अलख अभेवो, गुरु मेरे देवो अलख अभोवो, सर्व पूजे चरण गुरु सेवो, सर्व पूजे चरण गुरु सेवो, गुरु का दर्शन दख दख जीवा, गुरु चरणन के दोए दोए पीवा, गुरु दर्शन कर दख दख जीवा, गुरु के शरण दोए दोए पीवा, गुरु बिन अवर नहीं मैं ताऊं, गुरु बिन अवर नहीं मैं ताऊं, अन दिन जापो गुरु गुरु नाऊं,
अनदिन जापू गुरु गुरु नाओ गुरु मेरे ज्ञान गुरु दे ध्यान गुरु मेरे ज्ञान गुरु दे दान गुरु गोपाल पूरक भगवान गुरु गोपाल पूरक भगवान गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा प्रारब्धम गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। बोलो गुरुदेव की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साईनाथ जी। धन्यवाद धन्यवाद जी जी। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सभी ने इतने अच्छे सवाल पूछे जिसका भाई साहब ने बहुत अच्छा समाधान दिया। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष पर्व पर हम सब लोग साथ में थे अपने मार्गदर्शक के साथ, अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। नमस्ते। नमस्कार। 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 शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते।